Finance Minister Miftah Ismail said that the Pakistan Muslim League Nawaz-led coalition government saved Pakistan from bankruptcy by raising the prices of petroleum products. ये आज हमने अल्लाह की मेहरबानी से जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है उससे पाकिस्तान को दिवालिए से बचाया है जो सारा दिन रात को सारी सारी रात बैठ के हम आईएमएफ से बात करते हैं तो पाकिस्तान को दिवालिए से बचाया है Addressing a joint press conference with Information Minister Maryam Aurangzeb, the Finance Minister added that the Chinese loan of $2.3 billion would flow into Pakistan's account by Monday, if not Friday. ये भी मैं बताता चलूँ कि कल चीन ने एक 2.3 बिलियन डॉलर्स थे यानी कि 15 बिलियन आरएमबी जो इनकी करेंसी होती है चाइनीज युआन उसका लोन अप्रूव किया है कल हमने साइन कर दिया था आज सॉरी गुज़श्ता दिन परसों हमने साइन कर दिया था गुज़श्ता कल जो है वो चीन के बैंकों ने साइन कर दिया और मुझे उम्मीद है कि शायद कल के दिन में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे कल नहीं हुए तो पीर को हो जाएंगे लेकिन बहरहाल ये चीन के पैसे जो हैं वो साइन हो चुके हैं 2.3 बिलियन डॉलर का एक लोन है